अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कूप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में साथियों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कुवैत के वीज़ा के बारे में। तो भाइयों, बहुत सारे भाई लोग मुझसे हमेशा कमेंट करके पूछते हैं, भाई ये कंपनी कैसी है, वो कंपनी कैसी है, कुवैत का वर्क वीज़ा अभी चल रहा है नहीं चल रहा, वीज़ा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कौन से कंसल्टेंसी से मैं अप्लाई करूँ या फिर कैसे कंसल्टेंसी से अप्लाई करूँ, ये सब बहुत तरह क्वेश्चन मेरे पास आते रहता है। तो दोस्तों, कुछ भाइयों का सवालों का जवाब मैं दूंगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आज मेरे वीडियो को आप देख लेते हो तो आप फिर कभी भी आने वाले टाइम में कभी भी आप फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूँ कि कोई भी देखिए, कुवैत में जो कंपनी होती है वो दो तरह की कंपनी होती है। एक तो होता है मेन कंपनी, दूसरा होता है दोस्तों सप्लाई कंपनी। मेन कंपनी में ये होता है कि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो कंपनियाँ सप्लाई कंपनी को काम देती हैं, तो उसके आधार पर सप्लाई कंपनी जो है वर्करों को लाती है और वहाँ पर काम करवाता है। दोस्तों, यदि आप मेन कंपनी में जाते हो तो उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि मेन कंपनी में जाने के बाद आपको ज़्यादा वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी एक जगह ही आपको काम करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, यानी दो साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो दो साल आप एक ही जगह पे काम करोगे, दूसरा जगह आपको नहीं भेजा जाएगा। पर यदि आप सप्लाई कंपनी में चले जाते हो, सप्लाई कंपनी में होता क्या है कि सप्लाई कंपनी क्या करती है, जैसे मेन कंपनी उसको काम दिया या फिर कोई भी कंपनी उसको काम दिया, जैसे दो महीने का वहाँ काम है, तीन महीने का वहाँ पे काम है, तो कंपनी क्या करती है वो आपको भेजता रहता है। और दोस्तों, सप्लाई कंपनी में बहुत सारे आपको दिक्कतें होती हैं, खास तौर पे तो आपको रहने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक जगह सेटल होने में आपको मौका नहीं मिल पाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। दूसरी बात है दोस्तों, आपसे काम ज़्यादा करवाया जाता है और आपको सैलरी उतनी नहीं दी जाती जितना मेन कंपनियों वालों ने वहाँ पर सैलरी देता है। छुट्टी को लेकर भी यही प्रॉब्लम होता है, छुट्टियाँ भी कम होती है, काम भी वहाँ पर ज़्यादा करवाया जाता है। जो तो जहाँ पर मेन कंपनी में 8 घंटे ही काम करवाया जाता है, वहीं पे सप्लाई कंपनी में मान के चलिए कि 9 से 10 घंटे आपसे काम करवाया जाता है। तो ये दोस्तों फर्क होता है कंपनियों में। और दूसरी बात दोस्तों ये होता है कि अभी वर्क वीज़ा चालू है या नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्क वीज़ा के बारे में कि वर्क वीज़ा जो है वो अभी पूरी तरह से चालू है। जो भी आपको बोल रहा है कि वर्क वीज़ा भी बंद हो चुका है तो दोस्तों ये गलत बात है। कुवैत का वर्क वीज़ा कभी भी बंद नहीं हुआ था, मतलब कुछ दिन पहले कुछ वजह से वहाँ बंद किया गया था, आपको पता ही होगा, पर अब दोस्तों फिर से नॉर्मल तरीके से कुवैत का वीज़ा जो है वो चालू है। तो जो भी भाई लोग आप लोग अभी कुवैत का वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुवैत का वीज़ा बेफिक्र होकर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी दिक्कत किसी को वहाँ पर नहीं है, वीज़ा भी चालू है। दोस्तों, अगली जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ, साथ ही आपको बता दूँ कुवैत में वहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को ये सख्त हिदायत दी गई है कि अभी मौसम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो बारिश के टाइम में सभी प्रवासी हो या वो कुवैती नागरिक को सभी को वहाँ पे सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। ये मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। तो जो भी भाई लोग आप लोग अभी कुवैत में रह रहे हो तो यदि अभी बेवजह आप घर से मतलब का बाहर ना निकले, क्योंकि बारिश बहुत सारी जगहों पे हो रही है और काफ़ी जगह दोस्तों बारिश की वजह से रोड वगैरह जाम हो चुका है, इसी की वजह से दोस्तों हुकूमत की तरफ से कहा गया। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी, कुछ जानकारियाँ थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।